अंबाझरी जल संरक्षण व संवर्धन समिति द्वारा गणतंत्र दिवस पर अंबाझरी तालाब में तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रसिद्ध तैराक ईश्वरी पांडे के हाथों तिरंगा फहराया गया। हर साल की तरह इस साल भी नागपुर के प्रख्यात अंबाझरी तालाब में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराया गया। भारत की नंबर वन तैराक ईश्वरी पांडे के हाथों अंबाझरी तालाब में तिरंगा फहराया गया। यह ईश्वरी का तिरंगा फहराने का दूसरा वर्ष है। ईश्वरी पांडे ने कड़ाके की ठंड में तालाब में स्विमिंग कर तिरंगा लहराया। वहीं गुजरात में हुई स्विमिंग चैंपियनशिप में ईश्वरी पांडे ने 5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 51 मिनट में पार कर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अंबाझरी जल संरक्षण व संवर्धन समितीतर्फे 26 जानेवारीचा कार्यक्रम या ठिकाणी दरवर्षी साजरा होतो आणि ईश्वरी पांडे हिने दुसऱ्यांदा या ठिकाणी झेंडा फडकवलेला आहे। त्याचप्रमाणे अतिशय थंड वातावरण आहे, 8 डिग्री टेम्परेचर आहे। एवढ्या थंड वातावरणामध्ये ईश्वरीने हे अंतर पार केलं आहे। त्याचप्रमाणे गुजरात येथे झालेल्या ऑल इंडिया कॉम्पिटिशनमध्ये ती 5 किलोमीटर पोहली आणि 5 किलोमीटर अंतर तिने 3 तास 51 मिनिटांमध्ये त्या ठिकाणी पार केलं। आणि अशा प्रकारे ही भारतातली पहिली मुलगी आहे की जिने ते अंतर पार केलेलं आहे। अशा प्रकारे ईश्वरी त्या ठिकाणी अतिशय थंड पाणी असताना ती सागरामध्ये पोहली, त्याबद्दल तिचं अभिनंदन करतो आहे। आणि तिच्यामध्ये जिद्द, चिकाटी हे जे गुण आहे ते आहेत आणि निश्चितच ती भारताचं प्रतिनिधित्व करेल अशी मला आशा या ठिकाणी वाटते। धन्यवाद। भारत वंदे, वंदे, लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।